अब मैं श्री गौरव गोगोई एमपी जी से निवेदन करूंगी कि वो इस मंच पर आकर हमें संबोधित करें. I'd like to request Sri Gaurav Gogoi ji to please come on stage and address the audience. Sri Gaurav Gogoi ji. कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस दल के वरिष्ठ नेतागण और साथियों, आज ये मेरा ही सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में दो शब्द कहने जा रहा हूं जिन्होंने भारत के राष्ट्र निर्माण में एक अहम योगदान दिया है. और मैं उत्तर पूर्वांचल से हूं और उत्तर पूर्वांचल और राजीव गांधी जी का एक बहुत ही एक अनोखा संबंध है. आज भारत के इतिहास में राजीव गांधी जी की भूमिका सुनहरे पन्नों में लिखी जाएगी, क्योंकि जब उन्होंने देश का कमान संभाला तब उनके सामने कई चुनौतियां थी. पंजाब में अलगाववाद था, उत्तर पूर्वांचल में आतंकवाद और अलगाववाद का डर था, असम में विदेशी जनसंख्या के लेकर लोगों के बीच में आक्रोश था, दार्जिलिंग में पहचान की एक आंदोलन चल रही थी, त्रिपुरा में भी विभिन्न प्रकार के वहां पे आंदोलन चल रहे थे. लेकिन इसके बावजूद भी, एक युवा नेता होने के बावजूद भी, राजीव गांधी जी ने कभी हौसला नहीं खोया. उनका उद्देश्य बस ये था कि देश में अमन और चैन का वातावरण होना चाहिए. जब तक देश में अमन और चैन नहीं रहेगा देश का विकास नहीं हो सकता. और वो जानते थे कि अगर देश में शांति चाहिए तो शांति बंदूक के नोक पे नहीं आएगी, शांति ताकत के दम पे नहीं आएगी, शांति लोगों का निरादर करके नहीं आएगी, शांति आएगी तो लोगों का दिल जीत के, लोगों का विश्वास जीत के, तभी जाके शांति आएगी. शांति आएगी तो आपकी बातचीत के साथ, लोगों की संस्कृति को समझकर. और इसीलिए आज हम उनको नमन करते हैं. यही राजीव गांधी जी की खूबी थी कि वो जानते थे कि अगर भारत देश को एक रखना है तो उसके अनेकता को स्वीकारना पड़ेगा, उसके विविधता को सम्मान करना पड़ेगा. आज मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि आज उन्होंने असम अकॉर्ड किया, मिजो अकॉर्ड किया, त्रिपुरा में अकॉर्ड किया, दार्जिलिंग में हिल काउंसिल उन्होंने निर्माण किया, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री थे, उनके पास रास्ते अनेक थे. कई सलाहकारों ने कहा कि असम के छात्र संगठनों को नजरअंदाज करना चाहिए. कई सलाहकारों ने कहा कि अंडरग्राउंड जो लोग हैं उत्तर पूर्वांचल में उनके पीछे आर्मी देना चाहिए. कई लोगों ने कहा जो दार्जिलिंग के पक्ष में बोल रहे हैं, गोरखा समाज के पक्ष में बोल रहे हैं, उनको एंटी नेशनल का दर्जा देना चाहिए. लेकिन राजीव गांधी जी ने इनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर जब तक हम लोगों के साथ बातचीत नहीं करेंगे तो लोगों को हम कैसे आगे लेके जाएंगे. जब उनसे पूछा गया कि क्या आप दार्जिलिंग के नेता सुभाष घिसिंग जी को एंटी नेशनल कहेंगे, तो उन्होंने मुस्कराया और कहा मैं कैसे सुभाष घिसिंग को एंटी नेशनल कह सकता हूं. वो व्यक्ति अपने समाज के लोगों को भारत में अधिकतर अधिकार देना चाहता है, वो व्यक्ति भारत में अपने लोगों को एक हिस्सा देना चाहता है, तो मैं कैसे उन व्यक्ति को मैं एंटी नेशनल कह सकता हूं. यही राजीव गांधी जी की खूबी थी कि वो लोगों का भरोसा जीतना जानते थे. उनको एक दूरगामी शांति की उनकी एक याचना थी, उनकी एक जिज्ञासा थी. इसीलिए पंजाब में जब वो थे, पंजाब में हुसैनीवाला जाकर वहां पे शहीद भगत सिंह, सुखदेव और गुरुदेव के प्रति उन्होंने श्रद्धांजलि ज्ञापन की. मिजोरम में जाकर मिजोरम के भाषा, संस्कृति, उनके खाद्य, उनके रहन सहन को अपनाया. दार्जिलिंग में दो बार जाके लोगों की समस्या को जाना. असम के आर्थिक विकास के लिए IIT हो, जोगी गोपा ब्रिज हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, उस निर्माण की नींव उन्होंने रखी. ये है राजीव गांधी जी, जिन्होंने उत्तर पूर्वांचल को बहुत करीबी से देखा और प्यार किया. नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में उन्होंने और ताकत दी. त्रिपुरा में गैस, रेलवे और वायु की उन्होंने वहां की नींव रखी. एक बात बहुत ही खूब लगी मुझे कि वो एक ऐसे नेता थे जिनके लिए राजनीतिक लाभ से ज्यादा महत्वपूर्ण था राष्ट्रहित. असम अकॉर्ड को सफल करने में
असम की चुनी हुई कांग्रेस की सरकार थी, आदरणीय हितेश्वर सैकिया की सरकार थी, लेकिन राष्ट्रहित के लिए उन्होंने असम में कांग्रेस सरकार को भंग किया ताकि असम में शांति आए। ये है राजीव गांधी जी। मिजोरम में वहां पे कांग्रेस की सरकार थी, लालसन वाला की सरकार थी, उसके बावजूद भी मिजो अकॉर्ड को सफल करने के लिए उन्होंने वहां पे मिजो की कांग्रेस सरकार को भंग किया। ये है राजीव गांधी जी। त्रिपुरा में उन्होंने एक शांतिपूर्वक निर्वाचन उन्होंने आयोजित किया। राजीव गांधी जी जानते थे कि भारत एक प्राचीन सभ्यता है परंतु एक युवा राष्ट्र है, और इस युवा राष्ट्र को ताकतवर करने के लिए शक्ति हमें लोगों के हाथ में देनी पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने पंचायती राज का निर्माण किया। यही मूल मंत्र था मिजोरम में। इसी मूल मंत्र के साथ उन्होंने त्रिपुरा में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल करके वहां के जनजाति लोगों को और ताकत दिया। मेघालय में असेंबली में और सीटें बढ़ाई। दार्जिलिंग में हिल काउंसिल की। आज राजीव गांधी की नेकता और ईमानदारी पे हम सबको विश्वास है। इसीलिए उस समय के जो जितने भी नेता हैं, चाहे वो बीके रामखाल जी हो त्रिपुरा के, जो आज हमारे शायद समक्ष भी है, राजीव गांधी जी के साथ उनका एक अटूट रिश्ता था। पंजाब के संत लोंगवाल जी के साथ राजीव गांधी जी का एक अटूट रिश्ता था। ये है राजीव गांधी जी। और इसीलिए आज हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि जिस आदर्शों के साथ, जिस प्यार के साथ, जिस देश का निर्माण राजीव गांधी जी ने किया, उस देश का संरक्षण हमको करना है, उस देश का सिपाही हमको बनना है। राजीव गांधी जी ने लोकतंत्र का निर्माण किया, उस लोकतंत्र का सिपाही हमको बनना है। राजीव गांधी जी जो देश में विविधता फैलाई, उस विविधता का हमका सिपाही बनना है। राजीव गांधी जी ने जो लोगों के हाथ में शक्ति दी, उस लोक शक्ति का आज हमें सिपाही बनना है। इसलिए आदरणीय दोस्तों, राजीव गांधी हमारे बीच नहीं पर उनके आदर्श, उनके सपने हमेशा अमर रहे। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं यहीं पे अपना दो शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। राजीव गांधी अमर रहे।